अंदर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। मैं समझता हूं कि शास्त्री जी के पुत्र हमारे राजस्थान में आए तो हम सब इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ में मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे कपिल यादव जी, उनका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वागत है। जिस प्रकार के देश में 8 साल से हालात हैं, देश की जनता मोदी जी के कुशासन को भुगत रही है, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, डर, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सब जो ड्रामा 8 साल से चल रहा है उससे सब लोग दुखी हैं और देश में प्यार का माहौल, भाईचारा, देश के लोगों की चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का ऐलान किया था जो चल रही है। आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में आएगी और राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ यात्रा करने के लिए रोजाना लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। कोई कह रहा है साहब मैं मेरे क्षेत्र से 5,000 आदमी आएंगे, कोई 10,000 की बात कर रहा है, कोई 2,000 की बात कर रहा है। मेरा कहने का आशय यह है कि लोगों में राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत ही उत्साह है। तो इसके बारे में डिटेल से मीडिया के हमारे चेयरमैन होने के नाते इस यात्रा के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में विभाकर शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे, तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल करके विभाकर शास्त्री जी से ही आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विभाकर शास्त्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं